मिस्टर और मिसेस ब्लैकस्मिथ। तो आज आप सबको पता ही है, थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज है करवा चौथ का व्रत। तो आज मैंने और मम्मा ने रखा है करवा चौथ का व्रत। तो अभी थोड़ी थोड़ी गले से आवाज़ निकलना अभी कम हो गई, क्योंकि अभी हो चुकी है दोपहर। तो आप सभी को पता है कि हालत हो चुकी, क्योंकि फास्ट की वजह से ऐसे ही हो जाता है। बट कोई बात नहीं, अभी हो जाएगी शाम और फिर हम खोलेंगे रात को व्रत। तो हालत ख़राब हो चुकी है क्योंकि मेरे बुकू की वजह से, क्योंकि उसने मुझे सुबह से कर रखा है परेशान, क्योंकि उसके 2-3 दिन से ऑपरेशन करवाई है मम्मा ने, तो जिसकी वजह से बुकू को हो चुका है फीवर। तो अभी तो थोड़े फीवर में राहत है, बट उसका जुकाम इतना बढ़ गया है क्योंकि मौसम चेंज हो गया। अचानक से गर्मी से अभी आ चुकी है ठंडी, तो जिसकी वजह से बुक्कू का मौसम है फर्स्ट। तो उसका जिसकी वजह से उसको हो चुका है जुकाम, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो उसकी वजह से आज मैं सुबह से बिल्कुल रेडी नहीं हो पाई हूँ, बस ऐसे ही घूम रही हूँ। तो अब क्या कर सकते हैं, उसको संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेडी तो मैं शाम को ही हो जाऊँगी। बहुत मुश्किल से मैं रात को लगाई है मेहंदी। आप कमेंट करके बताना मेरी मेहंदी कैसी लगी है, मेरे पिया के नाम की। तो अब चलते हैं और मैं दिखाती हूँ बुक्कू क्या कर रहा है। तबीयत 2-3 दिन से खराब है, पर अभी जो लियान है वो थोड़ा अच्छा फील कर रहा है, तो मम्मा से बातें कर रहा है। हाँ, मेरे बैठू को जुकाम हो गया तो आंखों में से आंसू आ रहे हैं। हाँ हाँ लियान, हाँ प्रीति, हाँ क्या हो गया, क्या हो गया? अभी थोड़ा खेलने के मूड में जो खेल रहा है। हाँ तो थोड़ा, हाँ ऐसा हो गया, जुकाम हो गया। मामा जो बातें कर रही है मेरी बेटी। अभी थोड़ा खेलने की मूड में है, पर जुकाम है जो परेशान कर रहा है मेरी बेटी को। हाँ बेटा लियान, माँ का व्रत है, आज मेरा बेटा परेशान नहीं करेगा मम्मा को, नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। हाँ शाम को पापा आने वाले लियान के। हाँ तो मैं वेट कर रही हूँ सोनू का, क्योंकि शाम को 5-6 बजे तक तो सोनू आ ही जाएंगे। तो मैं उनका ही वेट कर रही हूँ, फिर मैं शाम को होंगी रेडी। अभी तक कुछ भी प्रिपरेशन नहीं की है कि मैं क्या पहनूंगी, क्या करूंगी, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो बहुत तो ही परेशान कर रहा है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि बेबी आने के बाद मैं कितनी हो गई हूँ बिजी, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता अपने खुद के लिए, क्योंकि मम्मा को भी दूसरा काम होता है और अभी वो बीमार हो गया है, उसकी वजह से बिल्कुल ही उसको अकेला नहीं छोड़ सकते। ना ही वो प्रॉपरली सो पा रहा है, ना कुछ भी कर रहा है। और कोई नहीं रोते बेटो, नहीं रोते, इसकी नींद में भी हालत इतनी ख़राब है कि वो अब क्या करने देगा। हाँ बेटा नहीं रोते, नहीं रोते बेटा, नहीं रो। क्या हो गया बेटे, क्या हो गया, कुछ नहीं करते बेटा, क्या हो गया? ऐसे खड़े रहना था आपको? हाँ रियान को मैंने खड़े रहना था ऐसे, मेरा इतना मम्मा को परेशान कर रहा हूँ, बोल दो। आज व्रत रख के आ तो बहुत ज़्यादा मज़ा है, पर पेट की हालत हो चुकी है टाइट टाइट फिश, क्योंकि पेट में चूहे कर रहे हैं, चू चू चू। आप सबकी कैसी हालत है आप कमेंट करके ज़रूर बताना फैम, कि जिन जिन लेडीज़ ने रखा है व्रत आज, तो देखते हैं। और आपको आज व्लॉग में सिर्फ हमारा ही नहीं देखने को मिलेगा, दीदी ने कैसे सेलिब्रेट किया, भाभी ने कैसे सेलिब्रेट किया, तो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि व्लॉग में बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सब ने कैसे सेलिब्रेट किया है, आप व्लॉग में एंड तक देखोगे तो आप सबको पता चलेगा ये कि सब ने किस तरह सेलिब्रेट किया है, बहुत मज़ा आने वाला है। और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया करो गाइस,
प्लीज़ आपका यूं ही प्यार दिखाया करो, और ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है, तो प्लीज़ गाइस और प्यार चाहिए आपका। अब मैं ऐसे लेके देखो बैठी रहो, दो दो दिन हो गए बस, अब इसको ऐसे गोदी में लेके बैठे रहो तो ये खुश रहता, बन ना तो रोई रोई करता रहता है, ना तो झूले में रह रहा है, ना कुछ नहीं। हाँ फिर क्या करें, फिर रेडी होने का कहाँ से टाइम मिलेगा। हाँ बेटा, मम्मा बाहर गई है, जो अभी तक आई नहीं है, आ जाएगी अभी थोड़ी देर में। मम्मा बाहर गई नानी, तो मम्मा को बहुत परेशान कर रहा मेरा यूं। इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं व्रत रखने के बाद यूं ही घूम रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी मैं रेडी नहीं हो पाई हूँ भोकू की वजह से, क्योंकि मेरे बेटे की हालत बहुत हो चुकी है ख़राब, तो वो हमें भी बहुत परेशान कर रहा है। उसका मूड सही होता है तो ठीक है, खेल लेता 2-5 मिनट। परेशान हो गया मेरा बीतू, जहाँ लाइट गिर रही है वहीं देख रहा है। हाँ बेटा, ना सोना है, बस परेशान करना है मम्मा को, नानी को। हाँ, मोदी आदमी हो गया मेरा बेटा, मोदी आदमी अभी ची। हाँ, बातें करनी है, बातें करनी पड़ती है। बेटा, हाँ। और अभी मम्मी गई है थोड़ी बाहर, क्योंकि करवा चौथ का थोड़ा सा सामान रह गया था लाना, तो मम्मा बोल गई थी तो लेने गई है वापस, तो वो लेके आ जाएगी। फिर हम कुछ रेडी होने का प्लान बनाएंगे, क्या पहनना है क्या करना है, सो तो देखते हैं क्या करेंगे। ये है मेरा करवा चौथ का फाइनल लुक, बट मुझे अभी पता चला है कि सोनू नहीं आ रहे हैं, सो सैड, बट कोई बात नहीं, अब वीडियो कॉलिंग करके काम चला लूँगी, कोई नहीं, क्या कर सकते हैं, जो है अब उसी से काम चलाना पड़ेगा, तो अब सोनू से करूँगी वीडियो कॉलिंग चांद पूजा करने के बाद। सो फाइनली मामा भी हो चुके हैं रेडी, तो अब फाइनली हमारे करवा चौथ की पूजा के लिए सारा सामान रेडी है इस पूजा के लिए, तो अब हम मैं और मामा कर लेते हैं पूजा, फिर चांद निकलेगी तो फिर चांद की हम करेंगे पूजा। हाँ बेटा, हाँ मस्ती नहीं करते। कब हुआ बेटी? इस दिन सुबह के स्त्री उपवास करती है और अर्धशत दिया जाता है, और उसके बाद ही उपवास छोड़ा जाता है। उस दिन बिनी मिट्टी में से पार्वती जी की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा की जाती है। कथा, एक बार के लिए नीलगिरी पर्वत पर गया, फिर एक बाद एक आपत्ति आने लगी, अतः घबरा कर द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण ध्यान धरा। भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही पधारा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हमारे घर के मोस्ट ब्यूटीफुल कपल, जो कि अभी चांद निकल गए हैं तो चांद की पूजा करने के लिए जा रहे हैं, और मम्मा पाने के लिए तो तरस चुकी हैं। पूरा चांद Thank you.
पानी गिरा। मिठाई 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 गवाड़ो काजू गवाड़ो कल काजू गवाड़ो तो तुम्हारे होता है। मिस यू नोनो, आज के दिन तो आपको आना ही था, कोई बात नहीं, इससे ही काम चला लेते हैं। पूजा के बाद हो चुकी है ढेर। कैसा लग रहा है? हालत खराब है? अच्छी है, वाह। यहाँ तो हो गया सेलिब्रेशन, अब चलते हैं सीधा अहमदाबाद। सो चलो मिलते हैं अहमदाबाद जाके। अब फाइनली वो घड़ी आ गई है पानी पीने की। हमारे दोनों लव बर्ड्स भैया भाभी। अब हमने अहमदाबाद का भी सेलिब्रेशन कर लिया और देख लिया, अब चलते हैं सीधे कोका दीदी के घर। लारा अपनी डॉल को झूला झूला करा रही है। बोल ना, झूला झूला बोल। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।